समुंदर में उठे अचानक तूफान के कारण पिछले 48 घंटों से भारी बरसात हो रही है, जिससे आसपास के गांव में बहुत पानी भर गया है। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है, लेकिन फिर भी काफी गांवों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना मुश्किल है, ऐसा कलेक्टर ने बताया है। साहब, तूफान से पीड़ित ऐरे गरे लोगों को राम अवतार वर्मा बचाकर सीधे हमारे यहाँ ही लेकर आ रहा है। मालूम है, इसीलिए तो मैं उनसे निपटने के लिए तैयार बैठा हूँ। सब लोग इधर क्यों आ रहे हो? ये मंदिर मेरे पुरखों ने बनवाया है। तुम्हारे जैसे ऐरे गहरे लोगों की वजह से मैं इसे अपवित्र नहीं होने दूंगा। भगवान मंदिर में नहीं, लोगों के दिल में बसता है। इन लोगों की वजह से मंदिर अपवित्र होगा कहके तुम भगवान की निंदा कर रहे हो। बकवास बंद करो और वापस चले जाओ यहाँ से। हम लोग वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग नहीं जाओगे तो काट दिए जाओगे। नीलकंठ वर्मा, अरे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, जाके पूछो इन पेड़ पौधों से, पहाड़ों से या गांव वालों से पूछो। मैं 10 लोगों की भलाई के लिए मरने को तैयार रहता हूँ या किसी को मारने को तैयार रहता हूँ। अपनी जान प्यारी है तुम्हें तो रास्ते से हट जाओ। हम लोगों ने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। ए, मारो इनको। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हम लोग सर कुचलते हुए अंदर चले जाएंगे। ए, आने दो इनको। आ जाओ अंदर। ए, ए, इसके माँ बाप कौन है? मेरा कोई नहीं है सब। बेटा चला जा। साहब, भगवान के प्रसाद में विष क्यों मिला रहे हैं? तूफान जरूर रुक गया है, लेकिन मेरे दिल में बदले की भावना नहीं रुकी है, इसीलिए विष मिला रहा हूँ। ठीक है, इससे अवश्य रुकेगा। जैसे उस रामावतार वर्मा की वजह से मेरी इज्जत गई है, वैसे ही इस विष की वजह से उसकी जान जाएगी। ए, जाकर उस छोकरे को पकड़ो। चलो। साहब, प्रसाद में जहर मिला हुआ है, मत खाइए। सुनो राजा, झोपड़ी जल रही है। ए, आग लगी, पानी लाओ जल्दी, चलो चलो चलो। ये क्या, बना बनाया काम बिगड़ गया। दिमाग मत खाओ मेरा। अरे इसलाओ, जल्दी लाओ, अरे कुछ लाओ। बैठो, यहाँ बैठो तुम, लो ये पानी पियो। जब तुम अंदर थे तो बाहर से दरवाजा बंद किसने किया? नीलकंठ वर्मा और पुजारी दोनों ने मिलके आपके प्रसाद में जहर मिला दिया था साहब। ये बात जब मुझे पता चली तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट लिख पाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं। चलो। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवता स्वरूप हमारे साथ और एक मासूम बच्चे को मारना चाहा। झोपड़ी में आग उन्होंने नहीं, मैंने खुद लगाई थी साहब।
क्योंकि मैं आपको जहर खाने से रोकना चाहता था। बेटा अगर तुम मर जाते तो? आप ही ने तो बोला था 10 लोगों की भलाई के लिए अगर एक मर भी जाए तो कोई बात नहीं। आपने हमारे गांव को बचाया, आप जैसे महान व्यक्ति के लिए ये अनाथ अगर अपनी जान देते तो कोई बात नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, कौन कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं, मैं हूँ ना। सुनिए, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं जी। तेरा नाम क्या है बेटा? सम्राट नाम है मेरा। जानकी, हाँ? कितने दिनों की मेहनत के बाद भगवान का यह हीरो का मुकुट बन के आया है, तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर है जी। क्योंकि इसे सम्राट ने बनवाया है, भगवान को भी पसंद आएगा। बहुत बढ़िया है पिताजी। दामाद जी कहाँ है बेटी? मैं तैयार हो गया हूँ, मैं कपड़े पहनने में थोड़ा आलसी हूँ ना। घर जमाई जो ठहरा, ज्यादा खाएगा और लेट आएगा। चुप रहिए, वो सुन लेंगे। अरे राम भरोसे। हाँ साहब। सम्राट कहाँ है? कह रहा था फूल माला पूजा का सामान वगैरह बाजार से लेकर वहीं तैयार हो गए, तो उन्हें भी चलने को बोलो। अरे मुझे भी तो बुलाइए। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे भाई आ रहा हूँ, बिना बुलाए थोड़े ही। अरे ये भी चल दिया। साहब जी, आप नहीं आ रहे हैं क्या? जरा रसोई की तरफ ध्यान रखिए, कोई कुत्ता ना हो जाए, वैसे बकरी भी आ सकती है दूध पीने। घर को क्या रखिए वो? कोई हमें क्या बुलाएगा, हम खुद ही चलते हैं। ससुर जी, पुलिस बंदोबस्त के बिना इतना कीमती मुकुट ले जाना ठीक होगा? जब तक अपना सम्राट है तो पुलिस की क्या जरूरत। समधी जी, आपने तो हमारी इज्जत ही निकाल दी। जब वीर पुरुष प्रीतम आपके साथ है तो वो सम्राट किस काम का, क्योंकि असल में वीरता अगर दिखानी हो तो हम जैसे इज्जतदार चाहिए। अरे आप भी, वैसे इस छोटे से काम के लिए इज्जत और शोहरत क्यों, आप ही पकड़ लीजिए। वही ना बात। थोड़ी देर ठहरिए ना, वो गाड़ी सिर्फ फैमिली वालों के लिए है, आपके लिए पीछे वाली गाड़ी है। अरे सम्राट कहाँ है? वाह, देखो देखो, वो बंदर होकर भी मुझे नमस्कार कर रहा है, उसके जैसे संस्कार तुम लोगों में क्यों नहीं है? अरे बंदर नमस्कार कर रहा है मतलब हमको दाल में कुछ काला लग रहा है। चिरंजीवी। अरे 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 ये क्या हो गया भैया? अरे बंदर, अरे अरे बंदर, बंदर मुकुट ले गया। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे अरे साहब जी, अरे साहब जी, बंदर मुकुट उड़ा के ले गया भाई। चलो काम हो गया, जाइए ना छुड़ा के लाइए। अरे वो इतने सारे लोग हैं, मैं अकेले क्या करूंगा। चलो मजे करते हैं इससे। सम्राट, सम्राट, कोई चोर मुकुट को उड़ा कर ले जा रहा है। पास पाता चाकू में मार दूंगा। सुन सुन सुन, ए, 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 देख 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 देख, चाकू तेज है, तुझे भी मार दूंगा। चल चल भाग यहाँ से, चल। देखो मेरा ये, ये, ओ कचरे, सिगरेट के लिए पंगे ले रहा था। अब आया ना मजा। अरे इतनी जल्दी भी क्या, हम लोग बात कर रहे हैं ना, समझे? तू दोबारा शुरू हो गया, स्टडी, रुक जा। हाथ क्यों उठा रहा है, मुझे मारेगा? मारने के लिए नहीं, मेरा हाथ उठा है मूछो को घुमाने। अच्छा, के लिए घुमाएगा, देखते क्या होता है। ये सम्राट मूछो पर ताव देगा तो पूरे इलाके में बादल गरजने लगेंगे। इतना दम है? अरे ये बात मुझसे नहीं बस साले, अपने पूरे देश में जो करोड़ों की आबादी है उनसे पूछो, वो बताएंगे हमारे बारे में। चल चल फेंक मत। ठीक है, अगर तेरे को इतना ही शौक है तो दिखा देता हूँ। ओके। देख
तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ तो तुझे मजाक सोच रहा है? ए अभी मैं सीरियस होकर दिखाता हूँ, चले भाग। लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। कुंग फू आता है क्या? कुश्ती करेगा क्या? चाकू घुमाना जानता है? लाठी चलाना आता है? कराटे जानता है क्या? तैरना आता है तुझे? नहीं। क्यों बे, इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है, उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम्हें पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट। अरे ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे, अरे कोई, अरे बाप रे, अरे बचाओ कोई तो, चोर 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 चोर, अरे जल्दी आओ, राम बरने का आओ। अरे ये कैसा चोर जो गुनगुनी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ, चोर है, मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है, तेरी तो खैर नहीं आज। आ जा इधर, पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी, चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम, नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है, अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे
कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ दूँ? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूँ? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। हाँ। आप कह रहे इसको ढीला छोड़ दूँ? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। अरे पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? अरे बेटी सोनिया, सोनिया, अरे बाप रे, अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचोली कैसे? मैं बताता हूँ, आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। आप ही समझा रहे? ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी, आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा रहा भरोस, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है, पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे, तभी आप यहाँ आए। यानी प्यार हो गया उससे? प्यार हो गया, प्यार 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 करते करते दिल। सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए, या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट का डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ, आप उसे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उसे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चीटे से, सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। चिंता मत करो, तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मिल गया। ऐसे छुपा जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ, अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत, बड़ी गुदगुदी हो रही है, क्या है? शहद है। चीटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगा रहे हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चींटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंग बली, तोड़ चींटे की नली। चक। अपनी बड़ाई में खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। संभल के बापूजी, अपने मियां मिट्ठू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने लिए। अरे ये सब मुझे मत बताएगा, हिसाब देना तो मेरा फर्ज है, मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? संधि जी पॉकेट मनी मुझे चाहिए 1,00,000 रुपये। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख का है को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुकुम है। ठीक है तो 10,000 दे दीजिए अपनी मूंछों को विलायती कलर से संवारने के लिए। हम आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे दीजिए। मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। प्रीतम वंश की इज्जत 1,00,000 रुपए से 100 रुपए में गिर गई। प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1,00,000 के बराबर होता है।
क्या बेबी क्या गिन रही हो? अगर मुझे पहले पता तो इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूँ आपकी? अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूँ, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ, जहाँ से मैं आ गया उसके मैं। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है, हम आ रहे हैं। अरे इका बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना। अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी यहाँ मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा टाटा, और टाटो। अरे अमृत वर्मा, तोहरे पास का इतनी खूबसूरती, यहाँ मरने के लिए पहुंच गया? अरे बाप रे, अरे इधर इधर, नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे जान दो। तू का बात कर रहा हमसे? नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और दो लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी, मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था, तभी तो कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आप को, हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया, तुम देखते रहे। रुक मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुले आप छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है, आइंदा ऐसा ना हो इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर, उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो, चलो यार। ऐसा हुआ तो देखना। चलो यार। ओफो, ये सब कैसे हो गया, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदू बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी, इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए, ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। शॉट मारो बड़े साहब, मारो। वाह क्या कमाल का शॉट मारा है। वाह क्या मारा बड़े साहब, सीधा होल में गिर गया। क्या हाथ या पैर से? क्या हाथ या पैर? अरे वही, तूने हाथ से अंदर डाला या पैर से? क्या कहना चाहते हो आप, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप तो मेरा अपमान करने लगे हो बड़े साहब, खेलो खुद ही खेलो, मैं चला। क्यों नाराज हो गया? थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इनको कैसे पता चला उतनी दूर से? चल बाजू हट। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? बताऊ? अरे दूर हट, चल आया खेले, बूढ़ी लगा, मैची टोपी, लाल कमीज, फेस देखो, मुंचो पे देखो, देखो इज्जत से बात करो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, क्या कर लेगा तू, मुझे मारेगा? हट। अरे सम्राट चलो हम लोग चलते हैं। सम्राट रुक जाओ। ए उल्टी मूंछ, कौन है ये? ए बाप रे, बड़ा गुस्से ले ये बॉडीगार्ड क्यों? नमस्ते जी, नमस्ते जी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज सर। ए भाग साले, तेरी बड़ी बॉडी है और ये तेरा बॉडीगार्ड। वे सम्राट नहीं। चलो। ए डर के क्यों जाते हो, आओ खेलते हैं। अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो ताकत लगा, जोर से और जोर से, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, जरा जोर से लगा। अरे क्यों भाई सम्राट, इस पागल पट्टे से कुछ नहीं हो रहा, तुम जरा हाथ मारो, तुम्हें चांस देता हूँ इस प्रीतम वंश को संवारने का।
कुछ नहीं हो रहा। अब आया ना असली साउंड। राम भरोसे ऊपर जाके बड़े साहब के लिए पानी गर्म करो। प्रीतम वंश वाले फ्रिज हो गए। सुनो बड़ी माँ, जल्दी जाकर बड़े साहब के लिए खाना लगाओ। ठीक है अभी जाती हूँ। वो काम इससे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ ना बड़ी माँ, अब जाओ भी। सुनो कम्मो जी, बड़े साहब के कपड़े निकाल। अच्छा सम्राट। हे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझे थोड़ा रास्ता देंगे, मुझे अंदर काम है। जा सकते हो लेकिन एक चीटा डालू क्या? डालो डालो, इस बार शायद नहीं कि मैक्सिंग डाल के बाहर निकालूंगा। रास्ता छोड़ो, बहुत काम है। साहब ये लीजिए टॉवल, बाल भी धो लीजिएगा। जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है? इस दिल में। मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है, अब वो धड़कन तेज हो गई है, उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। सर पहुंच लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। हाथ या पैर? क्या हाथ या पैर? वही, उसका तूने हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? आप भी, मैं तो यहां से हिला तक नहीं। ए, सच बोल बे। देखिए बड़े साहब, बूढ़े होते होते अब आपको शक की बीमारी भी हो गई है। एक इंसान को दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे तो कैसे चलेगा? अपने सर की कसम। ठीक है अब बोल। इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको कोई हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा, उसका हाथ अब काम नहीं करेगा। हा? शायद पैर भी काम नहीं। बड़ी माँ खाना तैयार है। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे। ईसीजी। Ultrasound report. What happened, doctor? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही। No doubt. No doubt. ये वही है। ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं।
वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी है। I'm sorry. I'm extremely sorry, sir. आप बेकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता, क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कांपते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा। वो कहां छुपा है ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ नीचे आओ बेटी। आ जाओ नीचे बेटा, आ जाओ। इंदु बेटी, रानी बेटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। बारिश होने वाली है, तुम नीचे उतरो। बारिश होने वाली है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्या किस्मत है। क्या किस्मत है। अरे तुम कितनी देर से पेड़ पर हो, मुझे तो बोर लग रहा है, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा उतर रही है। हाँ, उतर रही है, उतर रही है। ला 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 ला। अब हम लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो भी वैसे ही करेगी। हाँ। तब बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। क्या हुआ, इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर चलो। इंदु के माँ बाप नहीं है। अरे ये बात नहीं है, हमारे माँ बाप होते तो क्या बारिश में हमें खेलने देते? वो नहीं है इसीलिए तो हम खेल सकते हैं ना। बातें मत बनाओ तो। इंदु, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। कैसी लग रही है? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट ऐसे। हाँ। अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को सवार लेता हूँ। सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। आ,
कैसी लग रही हूँ नाना जी? तुमने किसे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होने चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं। बेटी, आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसुओं के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे। बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, तुम्हारी तो पिताजी हमें माफ कर दीजिए, जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते। किसके घर? जिसमें संस्कार नहीं उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी? तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग, उन्हें किसी भी तरह मना कर मैं ले आऊंगा। बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों, उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ, उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना, वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं, एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। अरे क्या करती हो सोनिया? अरे वो बड़े साहब के जूस के लिए है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए जूस बनाने के लिए ले जा रही हूँ। उसके बातों में ही नहीं बल्कि चाल में भी लचक आ गई। बाप रे, ए, क्या हुआ तुझे? आजकल जब देखो तुम टक्कर मारती रहती हो। जैसे तुम नहीं जानते, मेरे सोने जैसे बिल में हाथ डालोगे तो क्या नहीं काटूंगा, चीटा बोला। मेरी समझ से सब बाहर है, लेकिन एक बात समझ गया, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। मर गया, मेरे तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। मुझे दो दिन से सता रही हो, बहुत पंगे ले रही थी ना। हेलो, पीछे से वार करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम, देखा ना फेस टू फेस का नतीजा। हाँ। ए, ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब,
कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है। तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है, बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का ये हक है और सम्राट का ये काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम। इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी, करवा लो उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूँ। अरे अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल चोरनी बड़ी माँ, देखो बड़ी माँ, इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना, उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो, मैं चला हूँ रास्ते। ए, ए, अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए, इस जन्म में तो नहीं नहीं शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती है ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए मेरे होते हुए सम्राट अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं, तुम लोग मुझे बताओ। बीच में मत बोलो, प्रीतम महान बात कर रहा है, क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है, इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने, जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई आपने बता दी। मतलब सम्राट को गोद लेकर बेटी का? उल्टा पड़ गया। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तो ही है, उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप जैसा चाहे वैसा ही हो। ये! एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। साहब, बड़े साहब से अपनी शादी के बाद कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है, बात तो हो गई समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चिट्टा चट। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं अब, असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है, हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं, अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी, चलिए जरा। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे
बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी, घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्मानी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है, चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी, हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं, जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब, वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। इनके परिवार का निजी मामला है, चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो, आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब, तुम इनकी बात को टाल रहे हो? मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? सम्राट, तुमको तो मैं मेरी बात सम्राट राम भरोसे, तुम बिंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो, जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है, चल चल बाहर निकल, चल 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 बाहर। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को, ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहां से, दफा हो जा। आप कौन है? घर में कोई है क्या? कोई नहीं है सब, सब लोग कुंभ के मेले में गए हैं। चलो भाई, इस बॉक्स को लगेज में डालो।
जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं, नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं जी। कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं, वहां स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा तो वो। वैसे आपकी तारीफ। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है, सुनिए। गहरे पानी में जाना मना है, अजान व्यक्तियों के हाथ से कुछ मत खाइए। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए माँ बाप को ढूंढ रही है, कृपया करके सेंटर के पास आकर उसे ले जाइए। कुंभ के मेले में यात्रियों के लिए एक सूचना है, सुनिए। गहरे पानी में जाना मना है। यहाँ पूजा कब शुरू? वहाँ बगल में बैठो बेटा, हम बुलाएं। ठीक है। इंदु, 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 बड़े मेरी बात सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। तो आपने उसे घर से निकाला तो वो बहुत रोया, उसकी आंखों में आंसू मैंने आज तक नहीं देखे। सम्राट को आपने मेरी वजह से बाहर निकाला था ना, तो ठीक है मैं बाहर चली जाती हूँ, आप सम्राट को अपने पास रहने दीजिए, मना मत कीजिए। आप भी बोलिए ना, मान जाइए ना। मैं आपके पैर पड़ दिया। चलो कुछ पता चला? नहीं भाई, उस तरफ जाके देखो। आ, बहुत ठंडा पानी है। इंदु, सम्राट, सम्राट, इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा। Oh my God!
राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इस समय वो केके हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरन से स्पेशलिस्ट को बुलाइए डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं आपने देखा ना सर। आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं आपने देखा ना सर। इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस यही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था।
चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भैया मैं हाँ। खाना यहीं रख के जा रही हूँ, हाँ। बाद में खा लेना। हाँ दीदी, 2 रुपए सर। पॉलिश, बूट पॉलिश। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। बूट पॉलिश सर। ज्यादा कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। भैया भैया क्या हुआ? साहब साहब इसे छोड़ दो, अब वह बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने, दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान करी, जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब, अरे साहब के पैर छू और माफी मांगो, गलती होगी बाद में, हमको माफ कर दो। अब छोड़ दो, छोड़ दो। दीदी चल चल। नमस्ते सर। ए श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ो की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हुआ? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, मगर उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए पॉलिटिकल लोगों को अपना दोस्त बनाया। अब उन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर उनका लीडर बन बैठा। जिसका नाम बोलता है उसी को पार्टी टिकट मिलती है, वो जिसको रिकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है, उसके सपोर्ट से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते में किसी का बलात्कार करता है या मर्डर करता है तो उसे सजा की बजाय उसका फूलों की मालाओं से सत्कार किया जाता है। वो स्मगलिंग करता है तो जेल की सलाखों के बदले उसे होटल में पार्टी दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट। ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, उसका अंत एक दिन जरूर होगा और कोई ना कोई आएगा उसके कुकर्मों का अंत करे। लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है, इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। ए, कहां से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है आप तो जानते ही हो। मजाक करते हो, बोटिया निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर। अरे वाह, ये साहब तो हसमुख लगते हैं, ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है, उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी, वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए धड़क धड़कना धड़क धड़कना पड़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। हटिए, हटिए। अरे 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 हटिए,
अरे वहाँ पर गिरा है तो अब कहाँ होगा? अरे सम्राट तो गया सम्राट, अगर इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा तो मैं अपनी बहन को का मुँह दिखाऊंगा। अरे सम्राट, अरे उसे भैया, अरे हमको भी देखने दे, क्या गल होता रे? स्टूपिड छी, अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे सम्राट, अरे ना, ये सचमुच का बीमार है? तुम काहे पूछ रहे हो ये सब? लूले लंगड़े लफंगे, चल चल चल, चल भाग यहाँ से। अरे सम्राट उठ जा रे। ये क्या हुआ? मैं सो कहाँ हूँ? अरे कहाँ बताएं भैया, पहले खड़े हो या फिर बताएंगे। देखो यहाँ वापस कभी बताना। ये क्या हो रहा है इंदू, क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। सोलापुर? इंदु तुम इनको भर्ती कर लो पहले। माँ इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं, पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। का है ये सब? ये लगाएंगे कि पिलाएंगे? क्या पता। ए हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। यहाँ हाथ लगाया तो वहाँ शॉक लगा। वायरलेस टच है। कुछ नहीं जी, मैं तो बस गाड़ी को घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे वही देख रहा था। गधे को बांधेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये गधे का तेल है? दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, उसे हाथ मत लगाओ, रखो वहाँ पर। ये इतने गुस्से में बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? इसे छूना मना है। ठीक है तो हम कहे छूएंगे। तेरी तो शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया? आपका दिल भी मेरी जान के मां जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जाने गए ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं, 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जियेंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनके मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई तो आपके भी आंखों में आंसू आ गए। सोचिए वो आदमी कितना दुखी होगा। असल में वो राम अवतार जी सरस्वती उस आदमी को मरे 25 साल हो गए हैं, अब दोबारा उसकी कहानी सुनने की जरूरत नहीं। आइंदा उनका नाम इस घर में किसी ने लिया तो अन्ना थोड़ा पानी लाना जी। बैठ के खाने में बहुत मजा आता जी, लेकिन लंगड़े का एक्टिंग करने में थोड़ा तकलीफ होता जी, लेकिन खाने में बहुत मजा आता जी। अरे हमको तो मसाला बहुत तीखा लगा। अरे फिर भी हम यहाँ बीमारी का नाटक करके खूब जम गए ना। अरे हम तो कहते हैं मैडम से जरा संभल के रहिएगा, हमें तो बहुत तेज छुरी लगती है। किसी को क्या पता चलेगा, नाटक ही तो है। वैसे तुम ध्यान से रहना, अगर लीक हो गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। लीक हो गया जी, इधर 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 लीक हुआ जी। क्या एक दूसरे का शक्ल देखता है? कैमरे का नाटक करता तुम लोग, शर्म नहीं आता तुम लोग का? अगर तुम लोग का बांडा फूट गया तो मेरे जैसे लंगड़े का क्या होगा? अय्या मेरा टांग बीमार, हम भी बीमार, हम कितना तकलीफ में रहे। अये तुम लोग की वजह से बांडा फूट जाएगा तो किधर से खाएगा? पैर के साथ साथ दिमाग भी खराब है, ये केस कुछ पेचीदा लग रहा है मुझे। क्या तुमको हम पे शक रहे? तुमको मालूम नहीं, नहीं, गलती हो गई सर, माफ कर दो, कुछ नहीं कुछ नहीं। अयो हाथ पैर बिना बीमारी का तुम घबरे 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 कहा जा रहा है? वो तब इधर रख, इधर रख। अय्या तुम सोना नहीं मोटा अन्ना, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? नाराज क्यों होते हो सर, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। डेली तुमको जो इधर खाने को मिलता था बिधर ला के हमको देने का समझा क्या? डेली तुम हमारा पैर को दबाने का है और शाम को तुम हमारा बॉडी मसाज करने का, और अगर कोई गड़बड़ किया तो इधर तुम्हारा मर्डर नहीं करने का। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मत करना, तुम जो कहोगे वो करेंगे। सुनो तुम एक काम करो, हमारा चेयर पकड़ के एक राउंड मारो।
क्या मैं? मैं? माइक इतना जोर से क्या बोलता है? अयो, हमको गुस्सा आता है, गुस्सा मत करो, मैं हूँ ना, मैं धक्का लगाता हूँ। हाथ पैंट सरकार, पैर को उठा के रख। अरे एक पैर को उठा के दूसरा पैर के ऊपर रख। अब ठीक है। अरे तू गाड़ी को चला। हाथ पैंट तू क्या देखता रे, सांप को थोड़ा हवा करने का। रोक बे। हाथ पैंट लुंगी को थोड़ा ऊपर कर। का कहे? मेरा लुंगी को ऊपर करने का और ऊपर। अरे तेरे को शर्म आता है क्या? उठा दिए। अब हाथ को 2 इंच नीचे ले जाने का। 2 इंच? लो आ गया। उधर उधर कूद जाने का। क्या रे हाथ पैंट देखते क्या रे, बटन दबाओ क्या? अबे तू खुजा ना। करते हैं सरकार। मजा मजा रहा है, बहुत मजा रहा है। राइट में राइट, बहुत मजा रहा है। नमस्कार। अरे पंडित, ब्रह्मोत्सव में भाई साहब को जो रुपए मिलते हैं उन पैसों को पूरा का पूरा ला कर दे देना। ठीक है बेटा। बेटा ये भगवान की आरती है। अपने भाई के लिए आग मांगने पर आरती ही क्या, बदन को भी आग लगा कर देना पड़ेगा, समझा? ठीक है बेटा। ए, ऐसे क्या घुरता रे, सर नीचे कर, सर नीचे कर बे। बजरंगी सर ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सर, ये यहाँ पर नया आया है सर, सोलापुर से आया है सर। झुकाओ, ये आपके बारे में नहीं जानता, छोड़ दो सर, झुकाओ। माफ कर दीजिए प्लीज। आपका फोन है। हाँ भाई। ए, क्यों मौत को दावत देते हो? बजरंगी से टकराओगे तो हॉस्पिटल में नहीं सीधे मॉर्चरी में पहुंच जाओगे। बहुत गर्म खून लगता है। यक हो गए अमर तुम फिर उड़ गई नींद तेरी। अरे उसे तो देख। इसका मतलब इसके पैर बिल्कुल सही सलामत है और हमको उल्लू बनाकर पिस्ता बादाम मांग मांग के खा रहा था। पेशेंट होने का नाटक कर रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ छोड़ेंगे नहीं इसको। हमसे काका नहीं करवाया, बीमारी का बहाना करके कुछ नहीं करवाया, इसको तो हम मार डालेंगे। भरोसे, अगर हमने उसका भांडा फोड़ दिया तो हमारा भी भांडा फूट जाएगा। अरे बाप रे, हमारे गुस्से में पूरा पानी बहता है। ए अम्मा, अम्मा तू चुपी है कहाँ, तुझको ढूंढूंगा। अरे आ रहा है कंट्रोल 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 कंट्रोल। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मेरी माँ। क्या ऐसा देखता है, क्या तुमको बताना पड़ेगा कि हमको उठा क्यों रखने का? हाँ अभी आता हूँ सर। कंट्रोल कंट्रोल राम भरोसे। हाँ जी आराम से। इतना रात को बाहर क्या कर रहे थे? क्या रहा है, मेरा इंक्वायरी करता तो चल, मेरा पैर को उठा के मेरे सर पे रख। मेरा पैर नहीं है ना, एक काम कर अपना पैर उठा के अपने गले में अटा। अपना पैर उठा के अपना गले में रख ले तो हरी तो। सर अपना पैर कोई अपने गले में थोड़े ही डाल सकता है सर, मुश्किल है ना सर। ओके तुम बाजू हटो तुम जी। क्या रे, तुमको देख के हमको एक आइडिया, तुम अच्छे से एक साड़ी पहन के फूल वूल लगा के मेरा पैर दबाने का रे। इंदु जी सुनिए, इंदु जी यहाँ ऊपर ऊपर।
आप ही से कह रहा हूँ, ऊपर देखिए। अरे बाप रे, आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? मैंने तो ऐसे ही बोला आपको। चलो देख तो लिया, पर अपने दिल में कुछ नहीं रखना, वरना मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ड्रामा कर रहे हो? राम भरोसे, मुझे कुछ हो रहा है, बचाओ मुझे राम भरोसे। मन ही मन में मेरे बारे में कुछ मत सोचिए। अरे राम भरोसे, इन्हें समझाओ मेरे सामने ऐसे ना देखे। मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, मुझे मैं गिर रहा हूँ। आप नहीं चाहती ना कि मेरी बीमारी कभी ठीक हो? नहीं जी। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने ऊपर देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मौत से मैं बिल्कुल नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। रोज इस तरह आपको तंग करने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या ये सचमुच बीमार है? जब मैंने गलत सोचा ही नहीं तो ये गिर क्यों गए? देखिए मैडम, तुम्हारे दिल में उसके बारे में कोई बुरा विचार नहीं है, ये बात सच है। हाँ। लेकिन फिर भी वो गिर गया, ये भी बात तो सच है ना। हाँ। हो सकता है तुम उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही हो। मतलब एक डॉक्टर की तरह, मेडिसिन की तरह, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बस एक बार कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कह दो उसकी जिंदगी बच जाएगी। सम्राट, सम्राट आ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मर गया मैं, मर गया, मर गया। क्या कहा? आई लव यू। अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। पर तुम सच तो कह रही हो ना? बिल्कुल। तो हमारी शादी कब होगी? शादी नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर भाग चले। भगा के ले जाऊं क्या? भगा के ले जाऊंगा कहने पर ही आपने मुझे मारा, और शादी के मंडप से आप लड़की को उठाकर ले गए और शादी कर ली आपने। तब राम अवतार वर्मा जी ने आपको मारा, वो क्या गलत था? उस रोज जो एक प्रेमी के रूप में आपने किया, आज एक पिता होने पर आपको गलत लग रहा है ना सर? जिसने आप पर हाथ उठाया वो भी तो एक पिता है ना सर? उनके दिल में भी एक पिता का जज्बा है सर, और इसके आपने उन्हें जो सजा दी है उसकी वजह से वो इतनी प्यार से पली बेटी के इंतजार में 25 साल से आंसू बहा रहे हैं। उनके दर्द को मैं देख नहीं पाया सर, तभी तो आपको मिलवाने के लिए बीमारी का बहाना करके यहां आया हूं। सर, मेरी खातिर आप मेरे साथ फौरन वहां पर चलिए, आप दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो जाए। सरस्वती, हम कल ही शोलापुर जाएंगे। इस जन्म में तुम नहीं बदलोगे सोचा था, लेकिन बदल गए। ये पुलिस वाला तुम्हारा तेज दिमाग समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। सुनिए, टिकट्स आ गई। हे भगवान, कितने दिन हो गए पिताजी को देखे। सम्राट, क्या हमें पिताजी घर आने देंगे? ओफो, बड़े साहब को कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनको फुसलाने में मैं बहुत माहिर हूँ। उनके घर में मैं पैदा नहीं हुआ, ये बात छोड़कर वहाँ अपनी ही चलती है, मालूम है आपको। इसका मतलब पिताजी ने मेरी बात नहीं डाली। बात टालना मतलब? मेरे बाद माँ जब फिर से माँ बनने वाली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था भाई चाहिए या बहन। मैंने कहा था भाई, लेकिन बहन पैदा हुई। फिर दोबारा पूछने पर उन्होंने भाई जरूर दूंगा तुम्हें, ऐसा वचन दिया था मुझे। ये वचन आज तुम्हारे रूप में पूरा हो गया है भाई। ये आंसू कैसे? अरे, जिसे हमेशा ए सम्राट ऐसा कहके पुकारा जाता है, उस लावारिस को आज आपने भाई बना लिया। उस भाई शब्द में पता नहीं क्या अपनापन है। बहुत अच्छा। तुमको भाई का प्यार तो मिल गया, अब मैं इसके एहसानों का बदला भला कैसे चुकाऊंगा? वो किसी लालच से यहाँ नहीं आया। हो सकता है, लेकिन उसे देना मेरा फर्ज है, मैं दूंगा। क्या देंगे आप? अगर वो मान जाए
तो इंदु से उसकी शादी कर दूंगा। तुम जितने भी तेल लगा के मालिश करो मेरा पैर टिको ला नहीं, तुम खाने पीने का कुछ चीज लाएगा तो ठीक हो सकता है, जैसे कि लड्डू, मेवा, 5 किलो बादाम सेंक्शन कराया तो ठीक होने का चांस होता जी। उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, हमारे सम्राट भैया से एक बार ट्रीटमेंट करवा लो, सब का सब ठीक हो जाएगा। क्या जी, आज बहुत ऊंची आवाज में बोलता तुम, वो सम्राट क्या डॉक्टर जो हमारा ट्रीटमेंट करेगा? दबाओ क्या? नहीं दबाओ क्या बटन? दबाओ क्या बटन? दबाओ क्या करेगा? जरा उधर देख वे, ये बीमार और डॉक्टर मिलके कैसे आता? मोहिनी तुम वहाँ रिसेप्शन में जाओ। जी मैडम। सुनो, सम्राट को तुम्हारी बीमारी का इलाज मालूम है। यह क्या इलाज करेगा? मेरा पैर ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक नहीं होएगा। हमारे गांव के गंगूराम को भी कुछ इसी तरह की बीमारी थी, फिर मैंने इस बेद के सहारे उसका इलाज किया था, भागने लगा था वो तो। राम भरोसे समझ गए, उठाते हैं पर्दा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जरा अपना पैर ऊपर करिए। अब ये बताइए, आपको कुछ महसूस हो रहा है? खुजली तो हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, आप पेंटे बिल्कुल नहीं हो रही है। फिर तो मंत्र पढ़ना पड़ेगा, जल्दी पढ़ो। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, चलाओ छड़ी, जलाओ जय 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 भोलेनाथ, चलो 1 2 3 4 मारो। आपको कुछ महसूस हुआ सर? पैरों में कोई असर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ऊपर घुटने में जरूर असर होगा। अरे वही 2 इंच ऊपर। शुरू हो जा। अब तो जरूर महसूस हुआ होगा। फिर ये आंसू कहाँ टपक रहे हैं? तुम लोग मेरे लिए कितना तकलीफ उठाता जी, इसलिए मेरे भीतर से बहुत आनंद आनंद का आंसू आता जी, मतलब भीतर से आंसू बाहर आके मेरा आंखों भिगोता जी, आनंद बहुत आता, आनंद बहुत आनंद होता है। इसका मतलब फर्क पड़ रहा है, उस गंगू राम को भी पहले ऐसे हुआ था, फिर उसके पैर ठीक हो गए। कोई असर नहीं पड़ा? अरे फर्क कैसे पड़ेगा, रोज इतना बादाम पिस्ता जो खाता था, दर्द का एहसास कैसे होगा? अरे राम भरोसे, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल करेंगे। चलो। मुझे लगता है राम भरोसे एक ट्राय और मारनी चाहिए। हाँ चलो। ये सब सामान ले जाके कार में रखो, मैं साड़ियों का बिल पे करके आती हूँ। इस साड़ी के लिए मैचिंग दिखाइए। एंथनी, कुछ खरीदना चाहते हो तुम? वही वो। शर्माता क्यों है, बोलना। वही जो मेरी दूसरी वाली के लिए ब्लाउज के अंदर पहनते हैं ना, ब्रा। ब्रा का साइज क्या है? नहीं जानता जी। नहीं जानता? इन लोगों में से किसकी साइज जैसी होगी? अच्छा अच्छा अच्छा। तेरी ब्रा का साइज क्या है? ए, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, ब्रा का साइज क्या है? सुनाई नहीं देता है, बहरी हो, साइज बताओ ब्रा का। चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। हेलो बड़ी माँ। हाँ मैं हूँ, दीदी को मैंने मना लिया है। मेरी बात आज तक किसी ने टाली है क्या बड़ी माँ? हम कल यहाँ से निकलेंगे। कौन दीदी? अरे वो तो बहुत खुश है बड़ी माँ। कितने प्यार से मैं तुम सब लोगों की देखभाल कर रहा हूँ, कितने प्यार से। 3 महीने से कुछ किया क्या, किसी का रेप किया क्या?
किसी का मर्डर किया या मारा किसी को मैंने? नहीं ना, मैंने क्या पूछा? क्या पूछा इससे? सिर्फ इसकी ब्रा का साइज ना। और इसने क्या किया? क्या किया इसने? सब लोगों के सामने बजरंगी को थप्पड़ मारा। क्यों थप्पड़ मारा ना मुझे? इज्जत निकालती नहीं, नहीं छोड़ूंगा। चलो, आपको दीदी से बात करनी है अभी? बोला दीदी, 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 सामने कोई आ रहा है बॉस। नेचर के और सेंटर में देखा था ना, यहाँ क्यों आ रहा है वो? सुबह उसका ब्रा का साइज पूछा था ना हमने, उसने नहीं बताया, अब ये बताएगा हमको। क्यों रे, हमें बताने आया ब्रा का साइज? तू जानता है उसका साइज?
शंकर जी दूध लेकर आइए, आज अभिषेक करना है यहाँ पर। पंडित जी, अन्याय का अंत करने भगवान मंदिर से बाहर नहीं आते हैं, इस तरह भीड़ में उनका रूप दिखाई देता है। अरविंद, आओ। क्या हुआ? भाई साहब के छोटे भाई बजरंगी यादव और उसके साथियों को सम्राट ने मार डाला। सम्राट इधर आओ। लेकिन कहाँ? यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। भाई साहब यहाँ आए और हमें खत्म करें, इससे पहले कहीं दूर चले जाएंगे। बेवकूफी की बातें मत करो। सम्राट ने जब बजरंगी यादव को मारा था तो लोग किस तरह इसकी जय जयकार कर रहे थे मालूम है? आज उसे खत्म किया है, कल उस भाई साहब को भी चीर डालेगा ये। और उस आगे कुछ मत बोलो। मेरी पत्नी को मारा था उन्होंने, उस गुस्से में सम्राट ने उन सबको मारा, ना कि जनता का दुख दूर करने के लिए या राज्य को सुधार कर यहाँ की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वो यहाँ आया है। दया करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आओ सम्राट, चलो। सम्राट, लोगों ने तुम पे जो विश्वास दिखाया है उसे ठुकरा के तुम यूं ही चले जाओगे? सम्राट, चलो हमारे साथ प्लीज। मंदिर में उसके नाम पर पूजा करके आरती उतारी जा रही है। जब वो हमारे आदमियों को पागल कुत्तों की तरह भगा रहा था तो जनता खुशी मना रही थी। उसका नाम पता ना जानते हुए भी उसकी जय जयकार हो रही थी। जनता के लिए वो देवता बन के आया है। बस दो दिनों के अंदर हम शोलापुर चले जाएंगे, क्यों? ठीक है ना सम्राट? जो आप कहें। सम्राट कहाँ छुपे बैठा है बे? तुझको देखने की बड़ी तमन्ना हो रही है, अपने लिए नहीं बल्कि उस जनता के लिए जो तुझे देवता मानती है। तू इनके लिए तो जरूर दर्शन देने आएगा ना? देख इनकी हालत। चला जा। तुझे पानी जरूर दूंगा बच्चे। तूने जिसकी जय जयकार बोली है उसे एक बार डरपोक बोल दी, सिर्फ एक बार, बस एक बार। तुझे पानी पिलाऊंगा। हाँ, मेरा भाई कहीं नहीं छुपेगा, वो जरूर आएगा, तुझे नहीं छोड़। अच्छा, बुला तो बुला उसे। मेरी बात सुनो। नहीं सम्राट, हाथ हटाइए। सम्राट वो मामूली आदमी नहीं है, वो तुम्हें मार डालेगा। तो करूंगा। 10 लोगों को बचाने के लिए एक को मारने या खुद मरने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। सम्राट, सम्राट। और मारो, मारो, मारो जोर से। भाई वो नहीं आएगा यहाँ। वो आएगा, जरूर आएगा। हाँ? तुमने मेरे भाई को मारा था? मेरे आदमियों को पूरी तरह मारने वाला तू है? मैंने तो तुझे बहुत बड़ा गुंडा समझा था। ठीक से अभी तक मूंछों के बाल तक नहीं उगे तुम्हारे। तेरी इतनी मजाल कि तूने हमसे टक्कर ली। तू इस राज्य का नहीं, तू यहाँ पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ के लोगों को जानता नहीं, फिर क्यों तुझे इतना गुस्सा आता है? हाँ? चला आजा।
तेरी मौत देखने के लिए मैंने इन सब लोगों के यहाँ बुलाया है जिन्होंने तुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर असली मर्द है तो दिखा अपनी मर्दानगी, चला जा। भैया देखो भैया कितना मरा। तेरी प्यास बुझ गई ना? हाँ भैया। शहर मेरा राज्य कह के बड़ा उछल रहा था ना, अब काँप क्यों रहा है बे? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की तरह तेरे चमचे दुम दबा के भाग गए। तुम्हारी मर्दान की जवाब दे गई क्या? इंसानियत के आगे किराए के टट्टुओं के औकात क्या है? मेरे जूते की धूल के बराबर। तेरा ये गुंडा साम्राज्य खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा और तब तक मैं यही इसी शहर में रहूंगा तेरी मौत बन के। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा साला हुआ था? तुम आज से सम्राट नहीं हो, हम सबके लिए सिकंदर हो। ये सम्राट अगर मूंछों पर ताव देता है तो पाताल से अग्नि पर्वत ज्वाला बन के बाहर निकलता है। मिटा दूंगा मैं तेरी हस्ती, मिटा दूंगा मैं तेरी हस्ती, मिटा दूंगा। काश करे जो वो है सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, यह सबका इंसाफ करे। वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, सिकंदर, वो 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 सिकंदर, सिकंदर, वो सिकंदर, सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा, एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। Oh,
थी। कांप रहे दुष्ट सब, आ गया है वो सिकंदर। पक्षियों के साथ है वो, फिर उनको डर किसका। आ गया है दुष्टों का नाश करने। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है वो अकेला सिकंदर। जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर वो हो गया तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहां क्यों खड़े हैं? तुम यहां से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहां हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात। इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी यही चाहती थी कि सम्राट को आपने जाने को कहा तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। पिताजी, माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। भाई साहब के लोग आ गए, सब भाग जाओ। कमान इंदु, हरी अप, कमान हरी। चलो चढ़ जाओ, तुम जाओ मैं आ जाऊंगा। उससे हमारा अब कोई संबंध नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। प्लीज भाई, कहानी का रुख बदल गया है। सिकंदर की ताकत बढ़ गई है, जान के सीएम उसकी तरफ पलट गया है और तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया। मैंने उसका साथ देने से मना किया तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से निकाल देगा कहने लगा। यही नहीं भाई, तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारा इनकाउंटर करा देगा बोलने लगा। इस वक्त सीएम कहां पे होगा? मंत्रियों के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो, और अगले 20 मिनट के अंदर ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को अनाथ मत बनाइए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। हे हाँ भाई, छोड़ दे इसको। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। भाई उसे यही ढेर कर देते थे, सूटकेस और उसमें बॉम्ब रखना, क्या ये जरूरी था? सुन, वो अरविंद भी उसी ट्रेन से जाने वाला है जिसमें सीएम जाने वाला है। एक बम फटेगा और सारे खल्लास। हेलो भैया, भाई साहब ने अरविंद जी के सूटकेस में बॉम्ब रखा है। जिस ट्रेन में सीएम जा रहे हैं, अरविंद जी और इंदु भी उसी से जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा।
हमारा प्लान सिकंदर को पता चल गया है। अरविंद को बचाने के लिए सिकंदर अपने आदमियों को अलग अलग भेजेगा। हम भी अपना प्लान बदलते हैं और उनको रोकते हैं। चलो। क्या हुआ? अरविंद जी की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई या भाई साहब को पता चल गया है। वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है। आदमियों की जान बचाने के लिए अगर एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दस लोगों की भलाई के लिए एक को मारना गलत नहीं, तुमने ही कहा था। वो एक आदमी मैं हूं, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं। गर्व महसूस कर रहा हूं उस भाई साहब से छुटकारा दिला के सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया। लेकिन मेरी बेटी अकेली हो जाएगी, अब से उसका सब कुछ तुम ही हो। को सिर्फ यही पता है कि उसके पिता पे सम्राट ने गोली चलाई थी, पर उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ उस ट्रेन के काफी यात्री मारे जाते, इस सच को वो नहीं जानती थी। इसीलिए उसने ये गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो कुछ भी किया है वो नहीं जानती। हमें कुछ बताए बिना ही सम्राट वहां से वापस आ गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें कुछ छल या कपट होता तो वहीं रह के करोड़ों कमा सकता, उस राज्य का नेता बन सकता था।
लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप हैं, उसके मन में सिर्फ आपके ही उद्देश्य हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर। बिल्कुल सच कहा, इंदु आपकी पोती है बताना चाहता था, मगर फिर आपकी बेटी और दामाद गुजर गए ये भी बताना पड़ता, इसलिए बताना पाया। वो दुखों को सहते हुए अंदर ही अंदर घुटता रहता था साहब। बेटी मर गई ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि सोच के तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया, पर अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है। देख मुझे कुछ नहीं हुआ सम्राट, लेकिन अब मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा सम्राट। मेरे बच्चे तू ही मेरा सब कुछ है सम्राट। कमाल की राशि है, विष्णु जैसा तेज है। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 100 साल तक जिएगा। मुझे तो विष्णु का स्वरूप दिखता है उसमें। लक्ष्मी देवी मानो दिल खोल के दान दे रही है उसे। इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इंदु से कहूँ कि तुम दूसरा कोई देख लो। इंदु को भी उसमें दिलचस्पी है बेटी। उसके नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद छुपा। अब तुम दोनों सोच लो। दोनों चुप हो जा बेटी, जिसे मैंने बचपन से पाला मैं ही, जब उसे ठीक से समझ नहीं पाया तो तुमने उसे गलत समझा, जानबूझकर तो नहीं किया। मिस्टर श्याम सुंदर, he is out of danger। भाई, भाई सिकंदर शोलापुर में है, हमने पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे ही लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। हिम्मत और ताकत, अब कहां गई तेरी मर्दानगी और मूछों पर ताव देना। तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। क्यों डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके।
मार मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ। कुत्ते आप सब से एक विनती करता हूँ, आप सब मेरी बच्ची को जिताएंगे, अपना बहुमूल्य वोट हमारी बच्ची को ही डालना, मेरी आप सब से प्रार्थना। आप ये सब छोड़िए साहब, हम सब से विनती करता हूँ, हम जिसे कहूंगा उसे ही बता रहे हैं। रुकिए 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 प्लीज भाई, तय तो उसे करना है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तेरा मेरी बात सुनिए, बड़े साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे बख्शो। सुनिए, पुराने समय से ही नारी नारी में बहुत बवाल होता आया है, सबको पता है। फिर वो सब भगवान के पास गए और भगवान ने समाधान कर दिया, इसीलिए हम भी भगवान के पास जाते और उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ देते। चलो